बर्मा सीमेंट एजेंसी की तरफ से सभी मैनपुरी नगर वासियों को दिवाली व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ बालू सीमेंट उचित रेट पर मिलता है। नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंकित द्विवेदी। देर रात मदारगेट स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक में उस समय हड़कंप मच गया जब बुखार के चलते 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, तो वहीं परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा गलत इलाज किए जाने से बालिका की मौत हुई है। इस पर गुस्साए परिजनों ने देवी रोड जाम कर दिया। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। मदारगेट स्थित एक प्राइवेट क्लिनिक पर उस समय हड़कंप मच गया जब 11 वर्षीय निशा पुत्री मनोज कुमार को बुखार के चलते उसकी मौत हो गई। परिवारजनों का आरोप है डॉक्टर के गलत इलाज के कारण मासूम की जान गई है। इलाज के दौरान उसे सैफई ले जाया गया जहां उसकी मौत हुई है। परिवारजनों ने सब प्राइवेट क्लिनिक के बाहर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी व थाना पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जाम खुलवाया। ब्यूरो रिपोर्ट मैनपुरी। अच्छा, कैसे क्या आपकी बच्ची की हत्या हुई है? बुखार आओ तो दवाई लेने आई, एक दिन ले गई, तो बोर में फिर आई। ये बच्ची कैसे क्या खत्म हुई है ये बताओ। ये जो बच्ची खत्म हुई है डॉक्टर की लापरवाही के चक्कर में हुई है। अच्छा, कैसे क्या ये मौत हुई है? क्या है? दवाई लेके गई, आज तो सवेरे लाई, तो इसने परसों इंजेक्शन लगा तो उसको गोड़ा सुन पड़ने लगा। तो जो यहाँ आते खा के लेते, इसने आज सवेरे देखो तो इतना इंजेक्शन दवाई दे रही, ये बताइए कौन डॉक्टर थे जिन्होंने इंजेक्शन लगाया? किस नाम से उनका क्लिनिक है? मिश्रा के नाम से। आगर मिश्रा। मिश्रा की नाम मिश्रा। ये गलत इंजेक्शन लगाने पे बच्ची की मौत? मैनपुरी वासियों को श्री पैथ लैब्स की तरफ से मैं डॉक्टर आभा गुप्ता दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वासियों को डॉक्टर आभा गुप्ता नमस्कार करती हूँ। श्री पैथ लैब्स में होने वाली जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। जैसे कि यहाँ पे सब प्रकार की जांचें, जैसे कि खून की जांचें और जितने भी नॉर्मल टेस्ट होते हैं रूटीन टेस्ट के अलावा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम दिवाली के तोहफे के तौर पे आप लोगों के लिए एक नई मशीन लेके आए हैं, आर्किटेक्ट प्लस, जो एबॉट कंपनी की है। ये मशीन हमारे जनपद में कहीं नहीं है, पहली बार आ रही है। और इसके तमाम फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे हॉर्मोन्स की जाँचें हो जाएंगी, थायराइड और तमाम कैंसर मार्कर्स इससे पकड़ में आ जाएंगे, जिससे कि कैंसर की जांच तुरंत हो जाए और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। इसके अलावा इसमें कार्डियक मार्कर्स जो कि दिल के दौरे पड़ने पे यूज़ में आते हैं और दिल की बीमारी का फिर अच्छे से इलाज हो सकेगा। विटामिन की जितनी स्टडीज़ होती हैं, विटामिन डी, विटामिन B12, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारे टेस्ट जो हैं अपने जनपद में पहले होते नहीं थे। ये टेस्ट आमतौर पर बॉम्बे या दिल्ली भेजे जाते हैं और इसकी रिपोर्ट जो है काफ़ी ऊँचे दाम पर और काफ़ी टाइम के बाद आती है, अगले दिन या उसके एक दो दिन के बाद। बट हमारी मशीन ये आने की वजह से आप सभी शहरवासियों को ये जांचें उसी दिन उपलब्ध हो जाएंगी, वो भी उचित दरों पर। तो आएं और इसका लाभ उठाएं। बाल और पैथ विभाग की तरफ से सभी नगरवासियों को दीपावली भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ जो भी जाँचें होती हैं गरीब वर्ग में 20% डिस्काउंट पर सही और इंटरप्राइजेस की तरफ से सभी मैनपुरी नगरवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिश्रा और राष्ट्रीय सचिव मुलायम सिंह की ब्रिगेड से हूँ और मैं मैनपुरी व क्षेत्रवासियों को सभी को दीपावली व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं चंद्रशेखर यादव, अध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र सदर समाजवादी पार्टी मैनपुरी एवं अध्यक्ष भूमि विकास बैंक मैनपुरी एवं प्रतिनिधि सदस्य जिला पंचायत मैनपुरी, समस्त क्षेत्रवासियों को
दीपावली एवं भैया दौज के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। मैनपुरी लाइव न्यूज के माध्यम से मैं भूरे सिंह यादव सतना मीटर दो देवपुरा मैनपुरी के समस्त जनता को और ग्राम पंचायत अकबर प्रोठा देवपुरा की मैं आरवी हार्डवेयर एंड सैनिटरी देवी रोड मैनपुरी की तरफ से नगरवासियों को दीपावली एवं भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। मैं कौशल सिंह यादव।